प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। इस कैबिनेट विस्तार में यूपी से 7 मंत्री बनाए गए। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी को देखते हुए मोदी कैबिनेट में यूपी से अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा और अजय मिश्रा शामिल किए गए। ये विस्तार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से अहम माना जा रहा है। इस कैबिनेट विस्तार में राजनीतिक समीकरण के लिहाज से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधा गया है। अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी मंत्री रह चुकी हैं। वो मिर्जापुर से बीजेपी की सहयोगी अपना दल की सांसद है। वो केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाल चुकी है। वो विधायक भी रह चुकी है। कौशल किशोर मोहनलालगंज से सांसद हैं। वो 2013 में बीजेपी पार्टी में शामिल हुए थे। वो 2 बार से सांसद हैं और यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बीएल वर्मा यूपी से राज्यसभा सदस्य पहली बार के सांसद हैं। उनका राजनीतिक करियर करीब 35 सालों का है। बीएल वर्मा बदायूं के हैं, आरएसएस से जुड़े हैं और संगठन के पुराने व्यक्ति हैं। डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल आगरा से 5वीं बार के सांसद हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं व उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। पंकज चौधरी गोरखपुर के पार्षद से लेकर महाराजगंज के 6 बार सांसद रह चुके हैं। उनको 30 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। वो गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। वो कुर्मी समाज से आते हैं। भानु प्रताप वर्मा जालौन से 5वीं बार के सांसद हैं। वो विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। भानु प्रताप वर्मा बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अजय कुमार मिश्रा लखीमपुर खीरी से 2वीं बार के सांसद हैं। उनको 30 साल का राजनीति में अनुभव है। अजय कुमार मंत्रिमंडल में ब्राह्मण चेहरे के रूप में शामिल हुए हैं। वो यूपी विधानसभा और खीरी जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं।